सब्जी गलाने के लिए हम इसमें नमक यूज कर लेते हैं। फाइनली देखिए जो है सब्जी बनी। तो गाइस फाइनली जो है ये देखिए मेरा सब्जी जो है बन के रेडी हो गया बहुत ही। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज जो है काफ़ी बारिश हो रहा है, तो कल ला के रखे थे सब्जी जो है, आज उसी का जो है सब मिक्स करके आज बनाते हैं। बाहर जो है बारिश हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अभी जो है बना लेते हैं सब्जी, उसके बाद जो है मैंने शाम में हमको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो अभी जो है फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले जो है झींगा को ऐसे मैंने जो है छीलते हैं, तो हमको भी पता नहीं था, तो घर पे फिलहाल सीख के आए, वाइफ बताई थी, तो सब्जी हम भी नहीं बनाते थे, सिर्फ दाल भात आलू चोखा ऐसे ही जो है नॉर्मल में बना लेते थे। इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ हैं, और ऐसे ही बोला बोल झींगा वगैरह छील के जो है सबसे पहले ये करना पड़ता है, बोले ठीक है। तो कुछ कुछ जो है वो खाना के बारे में जो है महिलाएं सब काफ़ी जो है आगे रहती है, अगर सीखना है तो उन लोग से सीख सकते हैं आप। तो हम भी जो है बैठे थे, तो कभी काल बोल देती है बोल झींगा जो है इसको छीलने से छील दो, छील देते थे, तो हमको भी जो है देखना पड़ता है, ताकि बाहर में हमको भी बना के खाना पड़ेगा ना। घर में रहने से तो मैंने मिल ही जाता है, लेकिन बाहर में जब रहोगे तब तो बना के खाना पड़ेगा, या तो फिर वही होटल में, तो होटल में हमको उतना अच्छा नहीं रह लगता है, कभी काल मतलब जो है खा लेते, लेकिन पर डे जो है नहीं खा सकते। तो चलिए इसको छील लिए और सब मिक्स करके बना रहे हैं, झींगा पोटल आलू तीनों मिक्स कर देंगे एक ही बार, और जो है दो टाइम का ही एक ही बार बना लेते हैं, क्योंकि शाम में जो है अब टाइम नहीं मिलेगा, तो एक ही बार जो है पूरा बना ही लेते हैं। तो चलिए पोटल को भी छील लेते थोड़ा बहुत। इधर जो है सब छिला गया, अब बचा आधा लहसुन और ये मिर्चा, तो इसको एक साथ मैंने जो है कुटाई कर देंगे इसमें। अब चलिए कटिंग करते हैं, तो एक्चुअली हम इसी पे जो है कटिंग करते हैं, और मेरी वाइफ जो है सारा कुछ इसी से जो है वो काटती है, बहुत ही मैंने बढ़िया से, लेकिन हमको उससे नहीं आता है काटने के लिए, सिर्फ आलू वगैरह जो है वो काट लेते हैं, लेकिन भुंजिया वगैरह जैसे होता है ना वो नहीं काट पाते। मेरा जो है अधिकतम जो कटिंग होता है वो ऐसे ही होता है सारा कुछ। तो जो है मेरा सब्जी जो है कट के रेडी हो गया है, अब जो है प्याज और ये टमाटर बचा है, तो ये लास्ट में जो है इसको काट देंगे, और जो है अभी जाके धो लेते हैं इसको सबसे पहले, उसके बाद बचेगा ये, तो इसको भी जो है ये कर लेते हैं। फाइनली जो है चावल यहाँ पे हम चढ़ा ही दिए, देख सकते हैं आप। तो चलिए चावल को तब तक जो है बनने के लिए छोड़ देते हैं इस पर। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है जो है सब्जी बनाने हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले तेल डालते हैं,
सब्जी के हिसाब से जो है तेल डालिएगा, और कुछ इसमें डालना है तो डाल दीजिएगा। प्याज वगैरह डालते हैं। प्याज को भून लेते हैं, इसको जो है प्याज मोटा मोटी ठीक मैंने सब्जी के लिए जो है भुना गया। अब इसमें जो है हम सब्जी सब ऐड कर लेते हैं। तो सब्जी जो है सबसे पहले हम धो के रखे थे, सब्जी गलाने के लिए हम इसमें नमक यूज कर लेते हैं। नमक डाल दिया यहाँ पर, टमाटर भी जो है डाल देते हैं, इसको मिला लेते हैं, फिलहाल ढक देते हैं। चलिए इसको ढक दे। तो ये देखिए हमारा सब्जी जो है मोटा मोटी ठीक ही जो है गल गया। अब इसमें जो है थोड़ी देर बाद जो है मसाला वगैरह सारा कुछ डालेंगे, हल्दी और जो भी मतलब लहसुन वगैरह जो है अदरक वगैरह जो हमने पीस के रखा हुआ है उसको डालेंगे। तब तक जो है बने रहें। A few moments later. तो फाइनली देखिए इस तरह जो है सब्जी बन गया मेरा। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा जो बचा खुचा रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली जो है ये देखिए मेरा सब्जी जो है बनके रेडी हो गया। बहुत ही खुशबू एकदम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अब देखते हैं खा के उसके बाद जो है आपको बताते हैं। फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।